SEO ट्रेनिंग मास्टर क्लास थर्ड वीडियो में आपको स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं हाउ सर्च इंजन वर्क, सर्च इंजन कैसे काम करता है। तो आप लोग बहुत सारे लोग गूगल में सर्च करते हो, लेकिन गूगल के अलावा भी बहुत सारा सर्च इंजन है, जैसे कि बिंग है, याहू है, इस तरह का बहुत सारा सर्च इंजन है। हम लोग बेसिकली गूगल में ही सर्च करते हैं। तो हम लोग जो वेबसाइट, हमारा जो वेबसाइट है वो गूगल कैसे अपने सर्वर में लेते हैं और आपका जो वेबसाइट है वो गूगल में इंडेक्स करके उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो गूगल के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, गूगल के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो चीज़ें आप लोग सर्च करते हो वो चीज़ गूगल के पास नहीं है, जस्ट दूसरे एक वेबसाइट में वो चीज़ है, गूगल आपको फाइंड करके देता है, ठीक है। गूगल के पास कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग सर्च करते हैं व्हाट इज़, यहाँ पर सर्च करते हैं व्हाट इज होस्टिंग, यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया व्हाट इज होस्टिंग, लेकिन यहाँ पर गूगल का कोई डाटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दूसरा वेबसाइट से जो भी इस टॉपिक के अंदर आर्टिकल लिखा है जिस वेबसाइट ने, उस वेबसाइट का लिस्ट यहाँ पर हम लोगों को गूगल ने प्रोवाइड किया। सबसे पहले जो प्रोवाइड किया है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, नेमचिप का यहाँ पर वेबसाइट आ रहा है, क्योंकि नेमचिप इस कीवर्ड से ज़्यादा एसईओ किया है, इसलिए ये जो नेमचिप है इसका आर्टिकल सबसे पहले आता है, ठीक है। अगर आपके पास, आपका वेबसाइट के पास बहुत सारा डाटा है जो आप लोग अपने वेबसाइट में लिखे हो और उसमें एसईओ किए हो, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए हो, तो यहाँ पर आपका वेबसाइट भी आ सकता है, ठीक है, इस कीवर्ड से, ठीक है। बहुत सारा कीवर्ड लिखकर लोगों ने जिस कीवर्ड में सर्च करते हैं उसी टॉपिक का गूगल सर्च करता है, उस टॉपिक के अंदर किस वेबसाइट के अंदर और आर्टिकल है, उसी आर्टिकल को गूगल यहाँ पर लेकर आता है, ठीक है। गूगल के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट दूसरे का इंफॉर्मेशन उठाकर आपके पास लेकर आता है और उसी वेबसाइट को आप लोग विजिट करते हो। ऐसे ही सर्च इंजन वर्क करता है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा यहाँ पर साइट आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारा साइट और बहुत सारा रिजल्ट यहाँ पर गूगल ने हम लोग को दिया है, और कितने रिजल्ट यहाँ पर गूगल ने हम लोग को दिया है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इतना रिजल्ट दिया है। व्हाट इज होस्टिंग, इस टॉपिक के अंदर हम लोगों का रिजल्ट कितना दिया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इतना रिजल्ट हम लोगों के पास है, ठीक है। तो इतने वेबसाइट में हम लोग जाकर ये जो टॉपिक से ये देख सकते हैं और इसके बारे में फुल डिटेल्स ले सकते हैं, लेकिन गूगल हम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया है, जस्ट दूसरे का वेबसाइट में जो भी लिखा हुआ है वही को हमारे सामने लेकर आया है और उसी को देखकर हम लोग हमारा जो चीज़ें हैं जानने का वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोग भी आपका जो वेबसाइट होगा उस वेबसाइट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, उस इंफॉर्मेशन रिलेटेड कोई भी अगर सर्च करते हैं तो आपका जो वेबसाइट है वो आने का चांसेस है, लेकिन आप लोग उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करके गूगल में सबमिट करोगे आपका वेबसाइट और उसी को गूगल फर्स्ट पेज में लेकर आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारा लोग यहाँ पर काम करता है एसईओ के अंदर अपने वेबसाइट रैंक करने के लिए, लेकिन सबका वेबसाइट यहाँ पर गूगल फर्स्ट पेज के अंदर रैंक नहीं होता है, ठीक है। तो इस मास्टर क्लास के अंदर हम लोग यही चीजें सीखेंगे, देखेंगे कैसे हम लोग हमारा जो वेबसाइट है उसको हम लोग फर्स्ट पेज के अंदर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करना है, बहुत सारा चीजें हैं वो हम लोग बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जस्ट आपको समझाते हैं कैसे सर्च इंजन वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट लिखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले आपका वेबसाइट होगा, वेबसाइट यानी कि आपका जो वेबसाइट है उसका URL, यहाँ पर मैंने बनाया है URL, ठीक है। आपका जो वेबसाइट है उसको आपको गूगल वेबमास्टर टूल यानी कि गूगल सर्च इंजन के अंदर आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। कैसे सबमिट करते हैं इसके लिए मैं इस कोर्स के अंदर ही सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको सबमिट करना होगा आपका वेबसाइट को गूगल के अंदर। सबमिट करने के बाद गूगल क्या करेगा, गूगल आपका जो वेबसाइट है उसको एनालिसिस करेगा, ठीक है। उसको एनालिसिस करने के बाद गूगल का जो क्रॉल है, जो गूगल का सॉफ्टवेयर है, जो रोबोट है, वो आपका जो वेबसाइट है उसका डाटा उठाएगा और अपने पास रखेगा, ठीक है। अपने पास रखेगा क्या क्या कीवर्ड आप लोग आपका जो वेबसाइट है उसके अंदर यूज किए हो, क्या टॉपिक्स के अंदर आप लोग आर्टिकल लिखे हो, सारा डाटा गूगल पे पास रहेगा। उसके बाद गूगल उस डाटा को प्रोसेसिंग करेगा और रीडिंग करेगा, आपका जो डाटा है और रीडिंग करेगा, उसके बाद ही आपका जो डाटा है यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स करेगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपका वेबसाइट को सबमिट करना होगा, उसके बाद गूगल का जो रोबोट है वो देखेगा, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग और रीडिंग करेगा गूगल का सॉफ्टवेयर,
उसके बाद आपका जो वेबसाइट है उसको इंडेक्स करेगा। जब तक आपका जो वेबसाइट यूआरएल है उसको गूगल इंडेक्स नहीं करता, तब तक आपका जो वेबसाइट का डाटा है कोई भी डाटा गूगल के अंदर शो नहीं करेगा गूगल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग सर्च करते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग सर्च करते हैं हमारा वेबसाइट लिखकर, पर मैंने सर्च कर दिया चार्ट फॉर नाउ, और ये जो चार्ट फॉर नाउ हमारा जो यूआरएल है ये गूगल में इंडेक्स हुआ है, इसलिए ये हमारा वेबसाइट यहाँ पर आ रहा है गूगल के अंदर। अगर ये यूआरएल हमारा इंडेक्स नहीं होगा तो यहाँ पर गूगल के अंदर ये यूआरएल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को, ये तो हमारा मेन डोमेन है, ठीक है, मेन डोमेन है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा आर्टिकल वगैरह है, देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को भी आपका, जैसे कि इस कीवर्ड है, इस कीवर्ड लिखकर अगर कोई सर्च करते हैं तो आपका जो आर्टिकल है वो सबसे पहले पेज में आना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपका नहीं आता, इसलिए कि आप लोग एसईओ सही से नहीं जानते हो, सही से एसईओ नहीं करते हो, इसलिए आपका आर्टिकल यहाँ पर गूगल में इंडेक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर मैं सारा चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, और फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग जाने हैं कैसे सर्च इंजन वर्क करता है, ठीक है। आई होप इस मास्टर क्लास को आप लोग फॉलो करोगे और फुल मास्टर क्लास आप लोग देखोगे, और एसईओ क्या है, कैसे करते हैं, ये सारा चीजें आप लोग सीखोगे, ठीक है। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा जो यूनिक वेब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।